कृष्ण जब मैं शब्द का प्रयोग करते हैं तो केवल व्यवहारिक है, बोलना है इसलिए करते हैं, कहना है इसलिए करते हैं, लेकिन कहने और बोलने के बाद वहां कोई मैं नहीं। अगर तुम आंख में आंख डाल के कृष्ण की देखोगे तो वहां तुम किसी मैं को न पाओगे, वहां परम सन्नाटा है, शून्य है, वहां मैं विसर्जित हुआ है। इसलिए तो इतनी सरलता से कृष्ण कह पाते हैं कि आ मेरी शरण आ जा। जब वे कहते हैं आ मेरी शरण आ जा तो हमें लगेगा बड़े अहंकार की घोषणा हो गई, क्योंकि हम मैं का जो अर्थ जानते हैं वही अर्थ तो करेंगे। जनक के ये वचन तो तुम्हें और भी चकित कर देंगे, ऐसे वचन पृथ्वी पर दूसरे हैं ही नहीं। कृष्ण ने तो कम से कम कहा था आ मेरी शरण आ। जनक के ये वचन तो कुछ ऐसे हैं कि तुम भरोसा ना करोगे। इन वचनों में जनक कहते हैं कि अहो अहो मेरा स्वभाव, अहो मेरा प्रकाश, आश्चर्य ये मैं कौन हूं, मैं अपनी ही शरण जाता हूं, नमस्कार मुझे। ये तुम हैरान हो जाओगे। इन वचनों में जनक अपने को नमस्कार करते हैं, यहां तो दूसरा भी नहीं बचा। बार बार कहते हैं मैं आश्चर्य में हूं, मुझको नमस्कार है। अहो अहम नमो महयम विनाशो यश नास्ति में, मैं इतने आश्चर्य से भर गया हूं, मैं स्वयं आश्चर्य हूं, मैं अपने को नमस्कार करता हूं, क्योंकि सभी नष्ट हो जाएगा तब भी मैं बचूंगा। ब्रह्मा से लेकर कण तक सब नष्ट हो जाएगा फिर भी मैं बचूंगा, मुझे नमस्कार है। मुझ जैसा दक्ष कौन, संसार में हूं और अलिप्त जल में कमलवत, मुझे नमस्कार है। मनुष्य जाति ने ऐसी उद्घोषणा कभी सुनी नहीं, अपने को ही नमस्कार। तुम कहोगे ये तो अहंकार की हद हो गई, दूसरे से कहते तब भी ठीक था, ये अपने ही पैर छू लेना, ऐसा उल्लेख है राम।